राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसने आपने जो चिट्ठी लिखी थी 26 अगस्त 2022 को आपने जिक्र भी किया था, वो ऑर्डिनेंस अगर वो ना फाड़ते तो आज जेल में नहीं होती, तो आज ये आज सजा नहीं होती। ये सजा नहीं होती। तो आपको लगता है बचपना था वो? तो इसलिए जी हम मोर फोर साइटेड थे उस वक्त के होम मिनिस्टर, और हम कैबिनेट में थे जिन्होंने डिस्कस किया था इसको कैबिनेट में कि ये क्लॉज को अंडू करना चाहिए। नहीं किया, उन्होंने कहा ये क्लॉज बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है तो आप क्यों रोते हो? आपने कहीं ये भी लिखा है कि प्रणब मुखर्जी हमेशा एक एम्बिशन पालकर चलते थे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हाँ बुक में बने, लिखा है आपने, है लिखा है। ना? तो आपको लगता है ये बात सोनिया जी को भी पता थी और इसीलिए सब उनको, सबको मालूम था, उसके उनको बारे में भी। हमें थोड़ा बताइए कि आपने यहां हाँ तो एक एक रेफरेंस लिख के छोड़ दिया, हाँ लेकिन उनको राष्ट्रपति बनाने के पीछे क्या ये एक वजह थी? नहीं, वो राष्ट्रपति से ज्यादा प्रेफर करते थे प्राइम मिनिस्टरशिप, एटलीस्ट फर्स्ट फेज में तो, सेकंड में तो मस्ट। Was he disappointed when he was not made? हाँ, डिसअपॉइंटेड, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नॉट ए पब्लिक फॉलोइंग, सो ही कुडंट डू एनीथिंग। ही वॉज ए बिग ग्रेट लीडर, इंदिरा जी ने भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट की, सब ने रेस्पेक्ट की, लेकिन उन्होंने ट्राई किया राजू जी के उन बाहर जाके, खुद भी और जितने टिकटें भी दी सबकी जमान से जब्त करके, और उसके और दोबारा री एंट्री मैंने करवाई उनकी एज जनरल सेक्रेटरी। और राजीव गांधी 1 महीना नहीं मिले उनसे, और उन्होंने कहा भाई वो आता है मैं नहीं मिलूंगा तुम मिलो। तो मेरे भी बेचारे आते थे 15 दिन रोज, तो अल्टी मैंने कहा राजीव जी को मनवाया और उसको ज्वाइन करवाया। इसीलिए सोनिया जी ने उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया उसके बाद। और फिर नहीं, आई थिंक सोनिया जी वॉज थिंकिंग कि कोई नेट रिजल्ट सपोर्ट वाइज तो कोई है नहीं। नहीं तो वो तो मनमोहन सिंह भी नहीं थे। हाँ, लेकिन उनका एक था कि वो इकोनॉमिस्ट के तौर पर या ये देखिए कि पोटेंशियल थ्रेट जो है, जो प्रणब मुखर्जी ने नहीं, उनको दिखता उसका था। उसका दूसरा था कि थोड़ा जो मनमोहन सिंह जी मान सकते थे वो प्रणब करने में, ही वॉज स्ट्रांग हेडेड, वो नो भी कर सकते थे, वे एक दिन में 10 दफा नो कर सकते थे। तो सो ही हैड हिज मनमोहन सिंह वॉज अ वेरी गुड यस मैन। नो आई मनमोहन सिंह जी वॉज ए जेंटलमैन, आई लाइक हिम, इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। एक जगह आपने और ये लिखा है कि आपने सोनिया जी को कहा कि बेल्लारी को आप रिटेन करिए और रायबरेली को छोड़ दीजिए, जब वो दो उस समय आपने कहा कि प्रियंका जी को आप रायबरेली से चुनाव लड़वा दीजिए। डू यू थिंक कि प्रियंका गांधी कुड हैव बीन अ बेटर लीडर देन राहुल नो गांधी दैट टाइम? नो नो, मैंने उस वक्त कंपेरिजन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी तो 2004 में आए, ये तो मैं 99 की बात करता हूं। तो आई थिंक राहुल तब पढ़ता ही होगा, यहां था भी नहीं, तो उसकी पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन चूंकि 99 के इलेक्शन में प्रियंका गांधी सोनिया गांधी का इलेक्शन देख रही थी, क्योंकि ये खुद तो पहली दफा थी इनका जाना वाना वहां, तो मैंने इसलिए बिलारी आपने में, उनका नाम रखा। इसलिए बिलारी में बट मैं, आउट ऑफ द टू, क्योंकि बिलारी में मैंने एक ही दिन के लिए इनको लिया था, बाकी आई वॉज इलेक्शन इन चार्ज। लेकिन यहां थ्रू आउट उस महीने में इनका जो इलेक्शन देख रही थी रायबरेली में, वो प्रियंका देख रही थी। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने सोनिया जी को कहा बिलारी से लड़ो और ये यहां से लड़ी साउथ भी। और ये दोनों में से आपको कौन ज्यादा डायनेमिक लीडर लगता है, प्रियंका या ना राहुल? ना, भाई बहनों के बीच में मेरे लिए तो दोनों अच्छे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं पॉलिटिकली और फिजिकली उनको हमेशा चाहता हूं कि आगे बढ़े। मेरा कोई पर्सनल विवाद नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि उन स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, कामयाब करें, अपने मिशन में कामयाब हो गए। लेकिन थोड़ा नेविगेशन नहीं जानते हैं, नेविगेशन को रफ वाटर में जब तैरना होता है और इतने बड़े समंदर में 130 करोड़ का जहाज के कैप्टन होना, उसको बहुत कुछ आपने देखना। ये भी लिखा दैट इंदिरा जी हैड अ डिसलाइक फॉर मेनका गांधी, और आई हैव नॉट आपके सेड डिसलाइक, नो आई हैव नॉट बट सेड, उससे आता है कि अब मैंने डिसलाइक की बात ही नहीं की, बट वो सिंपली डिसलाइक करती थी। ये नहीं मुझे मालूम डिसलाइक करती थी या नहीं करती थी, लेकिन यह है कि संजय जी के अभी कुछ ही दिन हुए थे डेथ के, तो उन्होंने मुझे बुलाया और ड्रॉर से निकाल के मुझे न्यूज़पेपर दिए, इसको पढ़ो इसमें क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है, कहा तो मैं नहीं दिखता है कि मैनिका नहीं,
ट्री प्लांटेशन लगी है, अभी तो 40 दिन मुश्किल से होने वाले हैं या हो गए हैं, उसको ये करना चाहिए था। मैंने तो भी रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा बहू सास के बीच में हमें क्यों कहूं। फिर रुक के थोड़ी देर इंदिरा जी ने कहा कि भाई तुम्हें नहीं लगता राहुल राजीव गांधी को राजनीति में आने चाहिए, तो तब मैं समझ गया अब सीधे ही उन्होंने कह दिया। तब उन्होंने बताया कि उसको बताओ फिर कैसे लाए उसको। संजय गांधी का जो उदय हुआ 1980 में, और ये कहा जाता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो राइज किए और फिर उनकी मृत्यु हो गई, बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, ये भी कहा जाता है कि मे बी इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी उनकी जो मृत्यु थी, और ये भी था कि अगर वो जिंदा रह जाते तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बन जाते। तो इसमें कोई शक नहीं, अगर वो जिंदा रहते तो, और दुर्भाग्य से अभी इंदिरा जी की मृत्यु अक्टूबर 1984 में होती तो वही प्रधानमंत्री च्वाइस थे, क्योंकि मैंने अपनी बुक में लिखा है कि किस तरह से सबसे टॉलेस्ट लीडर उस वक्त के अपोजिशन के अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको रिकग्नाइज किया पहली बजट सेशन में, और उन्होंने कहा कि इंदिरा जी को कहा कि तुम उनकी वजह से संजय गांधी की वजह से आज लीडर हो, ये और अपने इनके साथियों ने लड़ाई लड़ी, वरना इंदिरा जी आपके सब लीडर भाग गए थे, आपके साथी भाग गए थे, और कहा कि आज मैं संजय गांधी को रिकग्नाइज करता हूं लीडर, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बोला, मैं एक शब्द भी इनके नहीं बोलूंगा क्योंकि आज इनकी वजह से आप सरकार में हैं, तो ये एक रिकग्नाइज लीडर है, तो एक रिकग्नाइज लीडर के तौर पर उन्होंने मेरे खिलाफ किया तो मुझे कोई रोष नहीं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनमें से आप किसे सबसे अच्छा नेता आंकेंगे? नहीं संजय नेता, मैं कंपेयर विद इन द फैमिली नहीं करता हूं, लेकिन इंदिरा गांधी बस इंदिरा गांधी, वैसा उसके साथ तो कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। और सबसे नीचे किसको आंकेंगे आप? मैं वो नहीं करता। क्या आप कभी सोचेंगे कि कांग्रेस पार्टी में आप वापस जाएं? नहीं, कभी नहीं। Never. आज गांधी परिवार को आपकी सलाह क्या होगी? कांग्रेस आप इतने पुराने उनके सलाहकार रहे हैं। कांग्रेस मजबूत करें। आपको लगता है कांग्रेस का अभी भी कोई चांस है देश की राजनीति में? अभी 40-50 सीटों पर है, अगली बार कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। अगर ठीक तरह से अच्छे लोग लें, अच्छी एडवाइस लें तो हो सकता है। आपने अपने आखिर में लिखा है कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, गुड लुकिंग जो यूथ हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, डैशिंग पर्सनैलिटी वाले, उन लोगों को पार्टी के पुराने वेटरन्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है। हाँ, लेकिन अब तो अनफॉर्चुनेटली अब तो वो यूथ भी सब भागे जा रहे हैं, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में से मेरे ख्याल में एक दो ही भागे होंगे, बाकी सब यूथ ही भागे 15-20। बीजेपी से अलायंस के बारे में कभी सोचेंगे आप? नहीं, नेवर। या चुनाव के बाद किसने देखा? देखो चुनाव के बाद क्या होगा, कौन है? चुनाव के बाद तो जम्मू कश्मीर में सब रीजनल पार्टीज क्लेम कर रहे हैं बीजेपी के साथ बनाएंगे, हाँ, और दो पार्टीज तो ऑलरेडी पहले बीजेपी के साथ अलायंस कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? इसमें आपने लिखा नहीं, लेकिन वैसे नहीं, रिग्रेट कोई नहीं है, मैंने कहा, बल्कि अफसोस है, ये जो मैंने 6 महीने पहले किया मुझको 6 साल पहले करना चाहिए। तो 6 साल असल में आप लगता है आपको, क्योंकि आप 6 साल गुलामी करते रहे? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि जिस दिन से सोनिया जी ने जो वहां जनवरी 13 को वहां विड्रा कर दिया, तो उसके बाद फिर उनका डिसीजन मेकिंग में बहुत कम रोल था, तभी हमको छोड़ देना चाहिए था। 6 साल आप वेट करते रहे? 6 साल नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हुआ, 13 से तो अब 11-12 साल, और आप वेट करते रहे कि कुछ परिवर्तन आएगा, चेंज आएगी? नहीं आई, बैड टू वर्स होते रहा। चलिए, आपके दूसरी बुक का इंतजार रहेगा, और मैं आपको बता सकता हूं, बुक मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूं, कोई फिल्म देख रहा हूं जो जल्दी 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 चलती जा रही है। तो यू आर अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो। नहीं, राइटर ये तो अभी सीखा हमने, पहली अटेम्प्ट है जी, एक बहुत बहुत धन्यवाद। बट ये नया अपना जो प्रोफाइल है आपको पसंद आ रहा है, ऑथर वाला? नहीं, बहुत अच्छा है, नॉट बैड, और मुझे नहीं मालूम था कि इतना ट्रैक्शन होगा जितना मैं फोन मैसेजेस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जिन्होंने खाली फोटो ही देखी है अभी या दो लाइनें कहीं पड़ी हैं इधर उधर, तो मैं तो 2 दिन से खोल ही नहीं पा रहा, उसमें हजारों मैसेजेस आए।
आपका सीवी भी थोड़ा और एक्सपेंड हो गया, अब आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं लेखक भी हूं।